भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, चीन ने भी नहीं दिया पाकिस्तान का साथ। यूएन के ग्लोबल आतंकियों की सूची में जुड़ा मक्की का नाम। लश्कर ए तैयबा का डिप्टी अमीर है 75 साल का अब्दुल रहमान मक्की। हाफिज सईद का रिश्तेदार मक्की 26/11 हमलों का रहा है मास्टरमाइंड। संयुक्त राष्ट्र में हर बार चीन लगा देता था अड़ंगा, इस बार नहीं दिया पाकिस्तान का साथ। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन ने पाकिस्तान में मौजूद अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया है। सोमवार को चीन ने मक्की को आतंकी डिक्लेयर करने वाले प्रस्ताव पर अपनी असहमति खत्म कर दी। इसके साथ ही यूएन ने लश्कर तैयबा के आतंकी मक्की को अलकायदा और ISIL दाएश प्रतिबंधित समिति के तहत ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। मक्की लश्कर के सरगना हाफिज सईद का बहनोई है और भारत में 26/11 सहित कई आतंकी वारदातों का मास्टरमाइंड रहा है। इसे आतंकी घोषित करने वाला प्रस्ताव भारत की तरफ से साल 2020 में दिया गया था, तब से ही चीन इसमें अड़ंगा डाले हुए था। चीन ने नहीं दिया इस बार पाकिस्तान का साथ। चीन ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ पहली बार ठोस कदम उठाया है। संयुक्त राष्ट्र ने लश्कर ए तैयबा के डिप्टी अमीर अब्दुल रहमान मक्की को अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित किया है। चीन ने जून 2022 में पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करने पर अड़ंगा लगाया था। मक्की लश्कर चीफ हाफिज सईद का बहनोई है और 26/11 के साथ जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। मक्की को भारत और अमेरिका पहले ही आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। 75 साल का मक्की लश्कर ए तैयबा में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता रहा है। भारत और अमेरिका दोनों ने मक्की को अपने अपने देशों के कानूनों के तहत पहले ही आतंकवादी घोषित किया हुआ है। कई हमलों का मास्टरमाइंड मक्की। मक्की का नाम पहली बार भारत में तब सुना गया जब देश 26/11 जैसे खतरनाक हमलों से दहल गया था। मक्की इन हमलों का एक मास्टरमाइंड था। इन हमलों में मक्की ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की मदद से मुंबई को दहलाने का पूरा प्लान तैयार किया था। गृह मंत्रालय की तरफ से साल 2022 में बताया गया कि 74 साल का मक्की साल 2006 से ही भारत में आतंकी हमलों में शामिल रहा है। पाकिस्तान के आधिकारिक रिकॉर्ड में मक्की की जन्म की 2 तारीखें दर्ज हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसीज को गुमराह करने के लिए है। जून 2022 में भारत की तरफ से चीन को प्रस्ताव में रुकावट पैदा करने के लिए कड़ी फटकार लगाई गई थी, जिस कमेटी के तहत मक्की को प्रतिबंधित किया गया है उसे UNSC 1267 कमेटी के तौर पर भी जाना जाता है। यूएन की तरफ से भले ही अब मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित किया गया है, लेकिन भारत और अमेरिका बहुत पहले ऐसा कर चुके हैं। मक्की लश्कर का वो आतंकी है जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को संगठन में भर्ती करने के लिए उकसाता है। इसके अलावा उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा की तरफ आकर्षित करना और भारत में आतंकी हमलों के लिए प्रेरित करने का काम करता है। अपने मकसदों को पूरा करने के लिए वो फंड भी कलेक्ट करता है। चीन अब तक बना हुआ था ढाल। मक्की को आतंकी घोषित करने वाला प्रस्ताव भारत की तरफ से साल 2020 में दिया गया था, तब से ही चीन ने इसमें अड़ंगा डाला हुआ था, लेकिन सोमवार को चीन ने इससे अपना वीटो हटा लिया। ये सब भारत की विदेशी कूटनीति के चलते हुआ। वैसे मक्की के बाद फेहरिस्त अब काफी लंबी है। पाकिस्तान के कई आतंकवादियों की जान अब हलक में है, क्योंकि चीन उन्हें अब तक बचाता आया है, पर अब उनके बुरे दिन नजदीक है। आइए आपको बताते हैं अब किनकी बारी है। अब्दुल रऊफ। अगस्त 2022 में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर अब्दुल रऊफ के खिलाफ प्रस्ताव चीन ने रोका था। रऊफ जैश सरगना मसूद अजहर का भाई है और 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को अगवा करने का साजिश करता था। साजिद मीर। सितंबर 2022 में भारत और अमेरिका ने आतंकवादी साजिद मीर को ग्लोबल आतंकियों की सूची में शामिल करने की मांग की थी। साजिद मीर 26/11 का मास्टरमाइंड है, लेकिन चीन ने रुकावट खड़ी कर दी थी। शाहिद महमूद। अक्टूबर 2022 में लश्कर के आतंकी शाहिद महमूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताव पर भी चीन ने ब्रेक लगाया हुआ था। शाहिद महमूद कराची का रहने वाला है। वो 2007 में लश्कर ए तैयबा से जुड़ा था। साल 2013 में ओबामा प्रशासन ने महमूद को लश्कर ए तैयबा की पब्लिकेशन विंग का सदस्य बनाया था। यानी अब वो दिन दूर नहीं जैसे अब्दुल रहमान मक्की जैसे तमाम भारत के दुश्मन एक एक करके ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होंगे। यानी कि अब चीन भी पाकिस्तान का साथ देने को तैयार नहीं है, और ये सब कुछ हुआ है भारत की कूटनीति के चलते।